लाइन ब्रेक चार्ट, और मैं आपको ये जो चार्ट्स हैं इसको कैसे यूज करना है, पूरा ए टू जेड इसका थ्री लाइन ब्रेक चार्ट का आपको समझाऊंगा। देखिए थ्री लाइन ब्रेक चार्ट में क्या है, अगर आप देखें तो यहां पर जो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा वहां व्हाइट और ब्लैक कैंडल्स होंगी। अगर आप investing.com या tradingview.com पे देखेंगे तो वहां आपको ग्रीन और रेड कैंडल मिलेंगी। कलर आप कोई भी रखें, बट जो चार्ट मैं देखता हूं वहां पर व्हाइट और ब्लैक कैंडल्स आएंगी। व्हाइट कैंडल ये दिखाती है कि प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और रेड कैंडल ये दिखाती है, ब्लैक कैंडल ये दिखाती है, ब्लैक और रेड कैंडल ये दिखाती है कि प्राइस गिर रहा है। प्राइस इसमें भी जैसे डाउ थ्योरी में भी था ना, ट्रेंड रिमेन्स, ट्रेंड इंटैक्ट है जब तक रिवर्सल ना हो जाए। तो यहां पर भी व्हाइट कैंडल बनती रहेंगी जब तक रिवर्सल ना हो जाए, ब्लैक कैंडल्स बनती रहेंगी जब तक रिवर्सल ना हो जाए। और ये जो चार्ट्स होते हैं दोस्तों, ये जो है ये टाइम को इग्नोर करता है और सिर्फ चेंज होता है जब प्राइस सर्टेन अमाउंट से चेंज होता है। ये क्या है ये अभी मैं आपको आगे समझ में आएगा। अभी देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि व्हेन, जब एक नई क्लोजिंग जो है टॉप ऑफ थ्री कैंडल्स के ऊपर होती है, जब एक क्लोजिंग जो है तीन कैंडल्स की जो प्रीवियस थ्री कैंडल्स हैं उसके ऊपर होती है तो नई एक व्हाइट कैंडल बन जाती है। जब एक नई क्लोजिंग पिछली तीन कैंडल के बॉटम के नीचे होती है तो एक नई ब्लैक कैंडल बन जाती है। और जब क्लोजिंग ना तो पिछली तीन कैंडल्स के ऊपर की कैंडल्स के ऊपर है ना पिछली तीन कैंडल्स के बॉटम के नीचे है तो कोई न्यू कैंडल नहीं बनती है। जी हाँ दोस्तों, न्यू कैंडल कभी नहीं बनती है। और यहाँ पर रिवर्सल कब होता है, ब्लैक कैंडल कब बनेगी, जब पिछली तीन कैंडल्स की जो बॉटम है उसके नीचे की क्लोजिंग आएगी तो एक ब्लैक कैंडल बनेगी। और व्हाइट कैंडल कब बनेगी, जब पिछली तीन कैंडल्स के टॉप के ऊपर की एक क्लोजिंग आएगी तो अब एक व्हाइट कैंडल बनेगी। तो दोस्तों ये तो एक बेसिक थ्योरी है, मैं आपको अच्छे से इसका इसको चार्ट देख के समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये एक सीरीज ऑफ यहाँ पर काफी सारी ब्लैक कैंडल्स बनी। अब यहां से आपको समझाता हूं मैं, समझना इजी होगा। थ्री लाइन ब्रेक चार्ट है तो क्या हुआ, जब ये एक ब्लैक कैंडल, ये दूसरी ब्लैक कैंडल, ये तीसरी ब्लैक कैंडल, जब इसका इसका जो टॉप था, इसका जो टॉप था उसके ऊपर की यहाँ क्लोजिंग आई तो एक व्हाइट कैंडल बन गई, ये एक व्हाइट कैंडल बन गई। अब जब इसके ऊपर की क्लोजिंग आई तो ये नेक्स्ट व्हाइट कैंडल बन गई, इसके ऊपर की एक क्लोजिंग आई तो नेक्स्ट व्हाइट कैंडल बन गई, इसके ऊपर की टॉप के ऊपर की क्लोजिंग आई तो एक व्हाइट कैंडल बन गई, इसके ऊपर की एक और क्लोजिंग आई तो ये एक व्हाइट कैंडल बन गई, इसके ऊपर की एक क्लोजिंग आई तो ये एक व्हाइट कैंडल बन गई। सडनली क्या हुआ दोस्तों, एक दो तीन, तीन व्हाइट कैंडल्स के नीचे की क्लोजिंग आई तो एक ब्लैक कैंडल बन गई, इस कैंडल के नीचे की एक क्लोजिंग आई तो एक और ब्लैक कैंडल बन गई। अब दोस्तों यहां पर व्हाइट कैंडल कब बनती, जब तीन कैंडल्स, देखिए तीन कैंडल्स, प्रीवियस थ्री कैंडल्स, वन टू थ्री, तीसरी बेशक व्हाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर की क्लोजिंग आती तब एक यहां पर व्हाइट कैंडल बनती। अब क्या हुआ दोस्तों, अगली क्लोजिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगली क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट फ्लैट नहीं है दोस्तों, ये है 7/5/2020 का क्लोजिंग है, और ये क्लोजिंग थी 9/1/99 की, और ये भी दोस्तों ये क्लोजिंग है 12/5/2020 की, और ये क्लोजिंग है 9/1/96 की। तो तीन पॉइंट नीचे की क्लोजिंग आई है निफ्टी की। तो ये तब, ये दो अलग अलग कैंडल्स हैं दोस्तों, ये अलग अलग कैंडल्स हैं, बट तीन पॉइंट का निफ्टी में फर्क है इसलिए दिख नहीं रहा है। अब क्या हुआ, यहां पर एक व्हाइट कैंडल बनी क्योंकि ये दो ब्लैक कैंडल और तीसरी ये ब्लैक कैंडल, इसके ऊपर की क्लोजिंग आई तो एक व्हाइट कैंडल बन गई। अब क्या हुआ दोस्तों, एक ये व्हाइट कैंडल थी, अब क्या हुआ ये एक ब्लैक कैंडल क्यों बनी, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इसके नीचे की क्लोजिंग आई तो यहां पर दोस्तों यहां पर एक ब्लैक कैंडल बन गई है, फिर एक ऑलमोस्ट फ्लैट ब्लैक कैंडल, फिर एक ब्लैक कैंडल, और जब इन तीन कैंडल्स के ऊपर की क्लोजिंग आई दोस्तों, जब इन तीन कैंडल्स के ऊपर की क्लोजिंग आई तो यहां पर एक व्हाइट कैंडल बन गया। अगेन ऊपर की क्लोजिंग आ रही है तो व्हाइट कैंडल बन रहा है, या तो दोस्तों इसके ऊपर की क्लोजिंग आए या प्रीवियस तीन कैंडल्स के नीचे की क्लोजिंग आए तो ब्लैक कैंडल बनेगा। अगर ऊपर की क्लोजिंग नहीं है, प्रीवियस थ्री कैंडल्स के नीचे की क्लोजिंग नहीं है तो कोई कैंडल नहीं बनेगा। ये दोस्तों ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब यहां पर क्या हुआ, एक दो तीन, यहां पर दोस्तों ये इनके नीचे की क्लोजिंग आई तो एक ब्लैक कैंडल बन गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर अगेन एक व्हाइट कैंडल बन गया। दोस्तों यहां पर व्हाइट कैंडल बन गया क्योंकि तीन कैंडल्स के ऊपर की क्लोजिंग आ गई, ये तीन कैंडल्स के ऊपर की क्लोजिंग आ गई। देखिए अच्छे से समझे दोस्तों, अच्छे से समझे, यहां पर क्या हुआ, एक दो तीन, इसके नीचे की क्लोजिंग आई तो ब्लैक कैंडल बन गई। अब ये व्हाइट कैंडल कैसे बनी, एक दो तीन, वन टू थ्री, देखिए ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है, इसके टॉप के ऊपर की क्लोजिंग आई यहां पर तो ये एक व्हाइट कैंडल बन गया। तो दोस्तों ये सिलसिला है, देखिए ब्लैक कैंडल बना, तीन कैंडल्स के जो लोस थे यहां पर, तीन कैंडल्स के जो नीचे के लोस थे वो टूटे, यहां पर तीन कैंडल्स के नीचे के लोस टूटे, यहां पर तीन कैंडल्स के हाइस टूटे प्रीवियस, तो एक व्हाइट कैंडल बना, यहां पर तीन कैंडल्स के लोस टूटे तो ब्लैक कैंडल बना, वन टू थ्री, इसके ऊपर के टॉप टूटे तो एक एक व्हाइट कैंडल बना। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं आपको प्रीवियस भी समझाता हूं, जब मैंने यहां से शुरू करा था तो यहां से समझा रहा हूं। देखिए अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, वन टू थ्री, तीन कैंडल्स का टॉप टूटा, यहाँ व्हाइट कैंडल बन गया, यहां पर वन टू थ्री, इसका बॉटम टूटा तो एक रेड कैंडल बन गया, वन टू थ्री, इसका टॉप टूटा तो एक व्हाइट कैंडल बन गया, वन टू थ्री, इसका बॉटम टूटा तो एक ब्लैक कैंडल बन गया, वन टू थ्री, इसका टॉप टूटा तो एक व्हाइट कैंडल बन गया, वन टू थ्री, इसका बॉटम टूटा तो एक ब्लैक कैंडल बन गया, अगेन वन टू थ्री, इसका टॉप टूटा
तो एक व्हाइट कैंडल बना। ये एकदम दोस्तों मार्जिनल क्लोजिंग है, इसलिए जो कलर है वो इतने क्लोजली नहीं दिख रहे हैं। यहां पर क्या हुआ, वन टू थ्री, ये बॉटम टूटा तो एक ब्लैक कैंडल बन गया, फिर अगेन वन टू थ्री, यहां पे व्हाइट कैंडल बन गया। अब अगेन यहां देखिए क्या हुआ, वन टू थ्री, इसका बॉटम टूटा तो एक ब्लैक कैंडल बन गया। दोस्तों देखिए, इनिशियली आपको देखने में लग रहा होगा कि थ्री लाइन ब्रेक चार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें एक तो ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस अपने आप दिखते हैं, और जबकि रोज रोज कैंडल नहीं बनती है तो नॉइज भी बीच में से हट जाता है। और ये जो चार्ट है प्राइस पे बेस्ड है, और हम जानते हैं प्राइस जो है भाव भगवान छे, तो प्राइस पे बेस्ड है। और चार्ट एनालिसिस देखिए, यहाँ पर दो तीन चीजें देखता हूं मैं। चार्ट एनालिसिस जो है सेम वे में काम करता है, जैसा भी हमने कैंडलस्टिक चार्ट, बार चार्ट अगर आप यूज करते हैं तो सेम वे में वो काम करता है। तो दोस्तों जो थ्री लाइन ब्रेक चार्ट है, दोस्तों ये जो थ्री लाइन ब्रेक चार्ट है 90% मैं इन्वेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ, बिना किसी स्टॉप लॉस के आपको दिखाऊंगा। 10% ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग की मेरे को जो चार्ट है अपॉर्चुनिटी है वो अपने आप मिलती है। देखिए मैं देख तो इन्वेस्टिंग के लिए रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूं, तो जो ट्रेडिंग जो है वो बाई प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टिंग मैं करना चाह रहा हूं। देखिए जैसे मनी है, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, मनी जो है वो बाई प्रोडक्ट है परफेक्शन का, हार्ड वर्क का, आपके स्किल्स का। इसी तरीके से मैं इसको यूज कर रहा हूं इन्वेस्टिंग के लिए, बट अगर मुझे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूं दोस्तों। दोस्तों अब हम एग्जांपल शुरू करें थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पे, तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको व्हाइट और ब्लैक कैंडल पे नहीं पड़ना है, आपको बड़े पैटर्न्स देखने हैं। जो पैटर्न्स हम डाउ थ्योरी के हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम देखते थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते थे, पैटर्न्स देखते थे, वो पैटर्न्स को देखना है। ये नहीं है कि ब्लैक कैंडल हो गई तो ट्रेंड खराब हो गया है, व्हाइट कैंडल हो गई है तो ट्रेंड अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बड़े पैटर्न्स को देखना है। तो दोस्तों देखिए बड़े पैटर्न्स को देखना है तो आपको एक चीज समझ में आती है। ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का एक चार्ट है। जब ये वाले लेवल टूट रहे हैं, ये सपोर्ट टूट रहा है इस कैंडल पर, तो एक समझ में आ रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम जो निफ्टी की चली आ रही थी वो खतरे में है। कोविड के चलते क्रैक आया, ये लेवल टूटे तो आपके दिमाग की खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, और यहां पर बिना लोअर टॉप लोअर बॉटम के गिरावट देखने को मिली। और दूसरा दोस्तों देखें, यहां पर जिस तरीके से व्हाइट कैंडल ब्लैक कैंडल बन रही थी, देखिए विद एक्सपीरियंस आप समझेंगे, ये भी एक सिग्नल था। देखिए ये एक सपोर्ट समझ में आ रहा था, ये एक सपोर्ट समझ में आ रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ शॉर्ट करें, बट एक सपोर्ट समझ में आ रहा था। अब थोड़ा सा दोस्तों आगे देखते हैं, तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे, ये कोविड के बाद ये एक रैली आई, रैली के बाद एक करेक्शन, करेक्शन के बाद जब ये हाई टूटे इस कैंडल पर, तो ये एक सिग्नल था, हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम का एक सिग्नल था। अब क्या दोस्तों, ये ड्रॉइंग ट्रेंड लाइन, हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम बड़ी ट्रिकी चीजें हैं। देखिए कुछ लोग इसको लोअर टॉप मान लेंगे, अगर आप लोअर टॉप मान रहे हैं तो आपने यहाँ शॉर्ट करा तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। कुछ लोग क्या है, इसको लोअर टॉप नहीं मानेंगे और वो इसको यूं ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन जैसे मैंने बोला था बड़ी ट्रिकी थिंग है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इलाज करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों एक चीज क्लियर थी, तो जब सब लोग चिंतित थे क्या करना है, तब ये लेवल टूटे थे और एक व्हाइट कैंडल बनी थी, सब लोग चिंतित थे यूएस इलेक्शंस को लेके। इन इसके कुछ दिनों बाद यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स का आउटकम था, बट टेक्निकल कुछ और ही बोल रहे थे, और टेक्निकल ने यहां से निफ्टी के अंदर अराउंड 900 पॉइंट्स की दोस्तों रैली दिखाई। तो दोस्तों ये है एचडीएफसी का चार्ट, देखिए ये एचडीएफसी का चार्ट है। अब देखिए यहां पे देखें तो ये एक बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, ये एक बड़ा सपोर्ट है। ये जब लेवल्स टूटे तो एचडीएफसी का जो हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम था वो एकदम खतरे में आया, और यहां से एक वर्टिकल डिक्लाइन देखने को मिला दोस्तों। और यहां पे देखें दोस्तों, तो जब ये लेवल्स इस कैंडल पे टूटे, एक बार दोस्तों इसको हटा के छोटी वाली कैंडल पतली लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको लेवल्स अच्छे से दिखेंगे। देखिए दोस्तों इस कैंडल पे टूटे ये लेवल्स, तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट आपका हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम बना, और साथ में दोस्तों ये एक छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन था। उसके बाद दोस्तों करेक्शन आई, ये दूसरा दोस्तों दूसरा, ये जब ये कैंडल ये हाइस टूटे तो दूसरा हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम बना, और एचडीएफसी के अंदर एक रैली देखने को मिली। तो दोस्तों ये है एचडीएफसी बैंक का एक टेक्निकल चार्ट, दोस्तों ये है एचडीएफसी बैंक का एक टेक्निकल चार्ट। पर यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो जब ये लेवल्स टूटे, जैसे एचडीएफसी के अंदर था तो हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम था वो खतरे में आया, उस पर एक ब्रेक लगी, बिना लोअर टॉप लोअर बॉटम के प्राइजेस गिरे, बिना लोअर टॉप लोअर बॉटम के प्राइजेस गिरे दोस्तों। दोस्तों जब ये लेवल्स इस कैंडल पे टूटे 1300 के लेवल्स, वहां से हम ऑलरेडी मोर देन 100 पॉइंट्स की रैली देख चुके हैं। ये एक मेजर ब्रेकआउट था जो थ्री लाइन ब्रेक चार्ट आपको क्लियरली दिखा रहा है। जैसे मैंने बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स बहुत क्लियर होते हैं, रोज रोज कैंडल नहीं बनती है, पर यहां पर क्या हुआ दोस्तों, अनचार्टेड टेरिटरी में आया, ब्लू स्काई जोन में आया, खुले नीले आकाश में आया, और उन हाइज को क्रैक करा। ये वाले हाइज दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइज उन लेवल्स के पहले के हैं जब आदित्यपुरी जी ने अपना स्टेक बेचा था, जिसको लेके काफी सुर्खियां बनी थी कि आदित्यपुरी जी ने एचडीएफसी बैंक के शेयर बेच दिया, क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत नहीं हुई। बट यहां पर अगर आप देखें तो अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक आया दोस्तों। तो दोस्तों ये है येस बैंक का टेक्निकल चार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये है येस बैंक का एक टेक्निकल चार्ट। और यहां पर अगर आप देखें, अगर दोस्तों यहां पर आप देखें तो ये बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है जो कि काफी बुलिश होता है। और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूटे, जी हाँ दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूटे इस कैंडल पर,
तो एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन पर एक क्वेश्चन लगा, और बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा, और यहां पर यस बैंक में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों आगे देखें, एक पुल बैक आया स्टॉक के अंदर, और दोबारा क्या हुआ दोस्तों, पहले तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन खतरे में आई थी, जब ये लेवल्स टूटे दोस्तों तब क्या हुआ दोस्तों, मुझे तो ये एक बड़ा राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन लग रहा है, उसमें से ब्रेकडाउन लगा। और दोस्तों इस ब्रेकडाउन के बाद मैंने पब्लिकली सोशल मीडिया पर, टीवी पर 25 रुपए के नीचे के टारगेट दिए थे यस बैंक में, और यस बैंक में दोस्तों इसके बाद एक काफी बड़ा मेल्टडाउन देखने को मिला, और वो मेल्टडाउन दिखाता हूँ दोस्तों मैं अभी आपको, काफी बड़ा मेल्टडाउन देखने को मिला दोस्तों। दोस्तों ये है विप्रो का टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पर देखिए प्राइसेस गिर रहे थे, और यहाँ पर क्या देखिए, एक ये गिरावट थी कोविड से पहले की, ये कोविड के बाद की गिरावट थी। और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूटे दोस्तों, जब ये वाले लेवल्स टूटे इस कैंडल पर, तो जो पहले से बनी आई लोअर टॉप लोअर बॉटम रेजिम थी वो खतरे में आई। तो दिस वॉज अ टाइम टू बाय फ्रेंड्स, और हमने अपने क्लाइंट्स को विप्रो को इन्हीं लेवल्स पे खरीदने की राय दी थी, टीवी पे भी खरीदने की राय दी हमने। तो दोस्तों इस तरीके से 3 लाइन ब्रेक चार्ट आपको ट्रेडिंग और निवेश के आपको नए नए आइडियाज देता रहता है, रोज रोज नहीं मिलता है, बट जब भी मिलता है एक सॉलिड आइडिया मिलता है। तो दोस्तों ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक टेक्निकल चार्ट, जी हाँ दोस्तों ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक टेक्निकल चार्ट। स्टॉक प्राइसेस ऊपर चल रहे थे और कोविड के चलते एकदम से गिरे, एकदम से गिरे, और दोस्तों नजर थी यहां पर, और यहां पर देखें जब ये वाले लेवल टूटे दोस्तों, इस कैंडल पे टूटे दोस्तों, तो ये क्या था, एंट्री इनटू अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में स्टॉक ने एंट्री ली। और रिलायंस मेरी समझ से पहला स्टॉक था जो कोविड के पहले के हाई को तोड़ के ऊपर निकला, और दोस्तों इस हाई के टूटने पर हमने रिलायंस को खरीदा, अपने क्लाइंट्स को भी खरीदने के लिए बोला। और जैसे दोस्तों मैं बोलता हूँ कि इसको मैं 90% इन्वेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ और 10% ट्रेडिंग के लिए, तो दोस्तों और इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मिथ है, जैसे आप फंडामेंटली कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसे खरीदते हैं, उसके बाद कोई बैड न्यूज आए तो आप निकल नहीं जाते हैं, कुछ कुछ दिक्कत हो जाए तो निकल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पैटर्न बढ़िया है, हर चीज में स्टॉप लॉस में मैं बांधता नहीं हूँ, अच्छे पैटर्न को, अच्छे ब्रेकआउट्स को मैं स्टॉप लॉस के धागों में नहीं बांधता हूँ। और इसलिए नहीं बांधता हूँ कि जब लेता हूँ बाय कराऊं तो उसके बाद 2 ही चीजें होंगी, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो व्हाइट कैंडल बनेगी, मन का हो रहा है तो चिंता किस बात की, नीचे जाएगा तो दोस्तों 2 चीजें होंगी, या तो नीचे जाने पर मुझे कोई संकेत देगा रिवर्सल बनाएगा, और अगर रिवर्सल बनाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और बिना अगर रिवर्सल के, बिना रिवर्सल के एकदम गिर जाएगा तो दोस्तों फंस भी सकता हूं। बट ऐसा नहीं है कि एक चीज है, देखिए अगर मैंने साल में 20 ट्रेड लिए और 3 ट्रेड में मैं फंस गया और बाकी 10 में अच्छा प्रॉफिट लिया है, तो वो 10 अच्छे प्रॉफिट मेरे 3 लॉस को टेक केयर करेंगे। तो एवरीथिंग इज नॉट स्टॉप लॉस, और ये चीज पब्लिक डोमेन में है कि इस ब्रेकआउट पर रिलायंस को ना सिर्फ हमने खरीदा, हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा। आप हमारी इक्विटी कैश सेगमेंट की परफॉर्मेंस देखें हमारी इस वेबसाइट राकेश बंसल वेंचर्स डॉट कॉम पर, वहां पे हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस ब्रेकआउट से पहले थोड़ा सा रिकमेंड किया था और समझ में आ रहा था कि वो ब्रेकआउट होगा, और ऐसा नहीं है कि हमने इसकी वेट नहीं करी, हमने इस कैंडल पर खरीद लिया था और हमने इस कैंडल को हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम माना था। तो दोस्तों ये है टीसीएस का एक टेक्निकल चार्ट, जी हाँ दोस्तों टीसीएस का एक टेक्निकल चार्ट है, और इसको देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब ये लेवल्स टूटे अराउंड 2300 के लेवल्स टूटे, तो दोस्तों ये चीजें सोशल मीडिया गूगल करेंगे उसमें मिलेगा, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2300 के अराउंड ओवरवेट खरीदारी की राय दी थी। देखिए जी ओवरवेट खरीदारी की राय दी थी, निवेश के लिए भी बोला, ट्रेडिंग के लिए भी बोला, और इसको बाय करा था, और दोस्तों अगेन वही चीज बिना स्टॉप लॉस के बाय करा था कि इतना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, स्टॉक ब्लू स्काई जोन अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश में जा रहा है, तो घबराहट किस बात की, अगर गिरेगा तो ब्लैक कैंडल बनाएगा, कोई रिवर्सल बनेगा, कोई सेल सिग्नल बनेगा तो निकल जाएंगे। बट मैं दोस्तों एक आशावादी आदमी हूं, निराशावादी नहीं हूं, लेता हूं तो ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं, आशा रखता हूं कि मुनाफा होगा। देखिए स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद गिरा भी, एक ब्लैक कैंडल बनी, और देखिए दोस्तों जब ब्लैक कैंडल बनी तो कोई लोअर टॉप लोअर बॉटम का रिजीम नहीं है, एक नॉर्मल करेक्शन है, प्राइस ऊपर गए, और दोस्तों 2800 के अराउंड, 2800 के अराउंड हमने अपने प्रॉफिट को हमने बुक करा, क्लाइंट्स को भी बुक करने को रहा, और प्रॉफिट बुकिंग का भी लेवल डेट सब हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जैसे काफी लोग एजुकेशन करते हैं सिर्फ ज्ञान देते हैं, जो बोल रहा हूँ वो कर भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, तो फर्क है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये है एक निफ्टी बैंक का टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पे देखें कोविड के चलते क्रैक देखने को मिला, ये प्राइजेस रैली ले रहे थे दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये लेवल्स टूट रहे हैं, तो एक हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम भी बन रहा है, एक फ्लैग से भी पैटर्न से ब्रेकआउट मिल रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों इस ब्रेकआउट पर हमने एक यूट्यूब पर वीडियो भी निकाला, सेम इसी डेट पर बैंक निफ्टी को खरीदने की राय भी दी हुई है, क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा, क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा, और यूट्यूब पे भी वीडियो भी निकाला, और 30,000 के टारगेट दिए थे। तो एक अच्छी रैली, एक बड़ी वर्टिकल रैली इस ब्रेकआउट के बाद हमने निफ्टी बैंक में देखने को मिली। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये चार्ट जो है, देखिए इन चार्ट्स पे बार्स कम होते हैं, ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बहुत क्लियरिटी से दिखता है दोस्तों, बहुत क्लियरिटी से दिखता है। दोस्तों ये है डॉलर का चार्ट, यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक करेक्शन देखने को मिली,
जब ये लेवल्स इस कैंडल पे टूटे तो ये क्या हुआ, लोअर टॉप लोअर बॉटम रेजिम थी वो खतरे में आई। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब ये लेवल्स इस कैंडल पे टूटे दोस्तों, और एक चीज नोट करें दोस्तों, ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है, तो हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम बना 72.70 73 के अराउंड। और दोस्तों इन लेवल्स पर मैंने स्टॉक को टीवी पर, सोशल मीडिया पर, क्लाइंट्स को और खुद अपने जीवन की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पोजीशन टिकट साइज में, साइज के अंदर डॉलर की मैंने यहां पे ली थी। और दोस्तों फरवरी मार्च की अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे एफएनओ की, तो मात्र एक ट्रेड पाएंगे डॉलर का, और यहां से दोस्तों एक अच्छी रैली देखने को मिली, मैंने 77 रुपीज के अराउंड पोजीशन काटी। तो दोस्तों ये नहीं है कि जो आपको बता रहा हूं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, प्रैक्टिस भी करता हूं। तो डॉलर में एक अच्छा ट्रेड था जो हमने थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर आइडेंटिफाई कर। दोस्तों ये है पोशाक लिमिटेड का चार्ट, और ये कंपनी सिर्फ बीएससी लिस्टेड है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जब लाइन टूटी इधर इस कैंडल पर, जब ये वाली लाइन टूटी, ये 3155 के लेवल्स हैं दोस्तों, ये टूटा तो ये स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काइंग जोन में एंट्री ले रहा है। और ये लेवल से खरीदने के, 3155 पर दोस्तों ये लाइन टूटी, और जैसा मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस स्टॉक को हमने 27 जुलाई को 3270 पर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा, एडवाइजरी में क्लाइंट्स को रिकमेंड करा, और ये रिकमेंडेशन हमारी वेबसाइट राकेश बंसल वेंचर्स.com पर अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर इसी ब्रेकआउट पर इसको रिकमेंड किया था, और हमने ऊपर में 4300 4500 के अराउंड प्रॉफिट बुक करा था, क्योंकि हर चीज लंबी अवधि के लिए नहीं ली जाती है। बट जब यहाँ पे लिया था तो दोस्तों कोई स्टॉप लॉस नहीं था, चीज एक ही थी, लेने के बाद या तो दोस्तों ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और अगर नीचे जाएगा सीधा जाएगा या रिवर्सल के साथ जाएगा, रिवर्सल के साथ जाएगा तो हमें एग्जिट मिलेगा, नहीं जाएगा तो एग्जिट नहीं मिलेगा। तो लाइफ अनसर्टेन होती है, स्टॉक मार्केट अनसर्टेन होती है, बट पोशाक ने हमको पैसा दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये है नियोजिन केमिकल का चार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये है नियोजिन केमिकल का चार्ट, और यहाँ पर अगर आप देखें, ये स्टॉक एक अच्छी रैली दिखा रहा था, यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिली कोविड के चलते, और जब दोस्तों ये वाले लेवल टूटे तो अगेन ये जो है स्टॉक इन स्तरों पर एक अनचार्टेड टेरिटरी में एंट्री ली। और दोस्तों यहाँ पर एक खास बात थी, यहाँ पर एक खास बात थी कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन भी बन रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट है। और दोस्तों इस स्टॉक पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और काफी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी मैंने नियोजिन के ऊपर खरीदारी करने के लिए, और मैंने बड़ा क्लियर बोला था कि जिस जिसको जहां नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई के लिए नियोजिन केमिकल को खरीदें। और तो हमने ऊपर में एग्जिट लिया, एक रैली देखने को मिली, बट टेक्निकली एक बढ़िया ब्रेकआउट था। और नियोजिन केमिकल में अगर आप देखें तो ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने में थ्री लाइन ब्रेक चार्ट का काफी बड़ा योगदान है। तो दोस्तों ये है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक, और इस स्टॉक को सब लोग, अधिकतर लोग ट्रैक करते हैं, स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है, और ट्रैक इसलिए करते हैं क्योंकि दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी का स्टेक है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पे देखें दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर देखें क्या हुआ, ये जो लाइन है ये 31 रुपीज 15 पैसा की लाइन है, जब ये लाइन टूट रही है दोस्तों इस कैंडल पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये लाइन टूट रही है इस कैंडल पर, यहाँ पर जो लोअर टॉप लोअर बॉटम रेजिम चला आ रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम रेजिम वो खत्म हो रहा है जब ये हाई टूट रहे हैं। तो ये लेवल्स थे दोस्तों इसको खरीदने के, और दोस्तों यहाँ पर भी सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 32 रुपीज 75 पैसा पर हमने 25 जून को अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा खरीदने के लिए। हालांकि हम ऊपर में 43 रुपीज 35 पैसा के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक करा, क्योंकि हर चीज लंबी अवधि के लिए नहीं ली जाती। जब खरीदा था दोस्तों तब कोई स्टॉप लॉस नहीं था, जी हाँ तब कोई स्टॉप लॉस नहीं था, ये चीज ध्यान में थी कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो मन का हुआ काफी अच्छा, नीचे जाएगा तो दो बातें होंगी, या तो बिना रिवर्सल के जाएगा, बिना रिवर्सल के जाएगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट अगर रिवर्सल मिलेगा तब एग्जिट करेंगे, बट जियोजीत ने हमको अच्छा मुनाफा दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये है एस्टेफ लाइफ साइंसेज का चार्ट, ये स्टॉक अच्छा वाला दोस्तों चल रहा था, एक अच्छी रैली में था दोस्तों, अच्छी रैली दिखा रहा था, सडनली न्यूज आई कि एस्टेक लाइफ साइंसेज का मर्जर होगा गोदरेज एग्रोवेट के अंदर, स्टॉक में करेक्शन आई। जी हाँ दोस्तों स्टॉक में करेक्शन आई, बट यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ये एक बॉटम बना, यहां से एक रैली आई, रैली के बाद करेक्शन आई, इस करेक्शन में दोस्तों ये वाले बॉटम्स क्रैक नहीं हुए, फिर दोस्तों दोबारा एक रैली आई, और जब ये वाले लेवल टूटे दोस्तों यहां पर, तो ये संकेत था हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का, ये संकेत था हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का। और दोस्तों जब ये वाली नेकलाइन टूटी तो वो भी एक संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है यहां पर, देखिए कुछ बड़ा हो रहा है इस कैंडल पर भी। तो दोस्तों हम इसको टाइमली नहीं पकड़ पाए, एकदम ब्रेकआउट पे नहीं पकड़ा, बट फिर भी हमने पकड़ा इसको, हमने इस स्टॉक को 578 पर 18 मई 2020 में इसको बाय करने की राय दी, और इन्हीं पैटर्न्स पर थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर रिकमेंड किया था बाय करने के लिए, हमने ऊपर में 960 के अराउंड प्रॉफिट बुक करा दोस्तों। और हम यहां देखें तो एस्टेक लाइफ साइंसेज ने अच्छी रैली दिखाई दोस्तों, अच्छी रैली दिखाई। तो दोस्तों ये है मैस्टेक का चार्ट, जी हाँ दोस्तों ये है मैस्टेक का चार्ट, यहाँ पे देखिए स्टॉक कंटिन्यूअसली, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक जो था कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड के अंदर था, ये देखिए ये स्टॉक डाउन ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बना रहा था, और जब ये लेवल टूटे दोस्तों तब एक क्लियर संकेत आया कि लोअर टॉप लोअर बॉटम रेजिम जो है वो खत्म हो रही है, ये खरीदारी का संकेत था दोस्तों, ये खरीदारी का संकेत था। फिर दोस्तों जब ये लेवल टूटे तो वो भी एक खरीदारी का संकेत था, स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। और दोस्तों यहां पर अगर आप देखें
अगर आप दोस्तों यहां पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है और यहां पर भी आपको एक खरीदारी का संकेत है। या तो दोस्तों आप इस ब्रेकआउट पे लेंगे, यहां पर इस ब्रेकआउट पे लेंगे, या इस कैंडल के बाद लेंगे जब आपको समझ में आ रहा है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है। बट मैस्टेक में जिस जिसने थ्री लाइन ब्रेक चार्ट को ओबे करते हुए इसमें काम करा उसको इसने रिवॉर्ड करा। दोस्तों ये चार्ट है मैजिस्को का और मैजिस्को में भी देखें तो सिमिलर स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर था और जब ये वाले लेवल्स दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूटे यहाँ पर तो एक संकेत था कि यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, जो डाउन ट्रेंड है वो खतरे में आ रहा है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड खतरे में आ रहा है और जिसने यहाँ पे लिया उसको इसने रिवॉर्ड करा। और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूटे, देखिए जब ये वाले लेवल्स टूटे तब स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी में उसने एंट्री ली, ब्लू स्काई जोन में गया, खुले नीले आकाश में गया और जिसने यहाँ भी लिया उसको भी रिवॉर्ड करा। बट दुविधा क्या है दोस्तों, अधिकतर लोग जो टेक्निकल को समझना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, वो स्टॉप लॉस से बंधे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि थ्री लाइन ब्रेक चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस के बियॉन्ड देखें। लेने के बाद दो ही चीजें होंगी, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो दो ही चीजें होंगी, या तो वर्टिकल गिरेगा विदाउट एनी पैटर्न या एक रिवर्सल देगा। जब रिवर्सल देगा तो हम रिवर्सल के साथ एग्जिट कर लेंगे। तो दोस्तों ये है जेएमएम फॉडलर का चार्ट। देखिए स्टॉक अच्छी एक रैली दिखा रहा था, एक अच्छी रैली दिखा रहा था कोविड के चलते। देखिए कोविड के चलते दोस्तों इसमें करेक्शन देखने को मिली और जब ये वाले लेवल्स इधर टूटे, दोस्तों जब ये वाले लेवल्स इस कैंडल पे टूटे तो ये एक संकेत था स्टॉक ब्लू स्काई जोन में आ रहा है, ये एक खरीदारी का मौका था, ये एक पहला खरीदारी का मौका था। उसके बाद आप देखें दोबारा से स्टॉक ने ट्रेडिंग का ब्रेकआउट दिया और फिर सडनली एक रिवर्सल देखने को मिला और जब ये वाले लेवल्स टूटे तो क्लियरली एक संकेत था कि रैली जो है हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम उस पर एक ब्रेक लग रहा है और स्टॉक पेन में था। बट दोस्तों हमेशा मेरा मानना है कि हमेशा फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम पे लेना चाहिए। अगर आपने इन स्तरों पे लिया तो आपको कहीं पर भी आगे चल के पेन देखने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आगे चल के पेन देखने को नहीं मिला। हाँ ये जरूर है, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा और आप ट्रेंड रिवर्सल की वेट कर रहे हैं तो आपने एग्जिट यहाँ पे करा तो आपका काफी बड़ी मात्रा में प्रॉफिट इरोड हुआ है। बट दोस्तों नेट में नुकसान नहीं है। और एक चीज समझे, नोबडी कैन बाय एट बॉटम, नोबडी कैन सेल एट टॉप। दोस्तों ये है ग्रैन्यूल्स इंडिया का चार्ट। जी हाँ दोस्तों ये है ग्रैन्यूल्स इंडिया का चार्ट और इसमें मैं बड़ी अच्छी चीज दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों यहाँ क्या हुआ, इस स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, नई टेरिटरी में आया स्टॉक, ये एक अच्छा बाय था। बाय करते अगली ब्लैक कैंडल बनी, करेक्शन आई दोस्तों, रिवर्सल नहीं हुआ। लेकिन रिवर्सल नहीं हुआ, फिर वापस व्हाइट कैंडल बनी और प्राइसेस रैली ले रहे थे। सडनली कोविड के चलते यहाँ पर एक क्रैक देखने को मिला। जी हाँ कोविड के चलते क्रैक देखने को मिला और जब क्रैक आया तो वर्टिकल क्रैक आया। देखिए अगर मैंने यहाँ लिया या यहाँ लिया तो एक वर्टिकल क्रैक आया, पोजीशन मेरी लॉस में आई बिना किसी रिवर्सल के स्टॉक गिरा। बट कोविड के चलते गिरा था, इवेंट के चलते गिरा था, उतनी ही फास्ट रिकवरी आई। और जब दोस्तों ये वाले लेवल्स टूटे तो दोस्तों पर्सनली तो मैंने यहाँ पर भी बाय किया था, होल्ड करता रहा और जब ये लेवल्स टूटे तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिकमेंड करा था खरीदने के लिए जब ये वाले लेवल्स टूटे थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, नथिंग गारंटेड, कई बार आप फंस भी जाते हैं, जैसे ग्रैन्यूल्स एक एग्जांपल है। बट 10 स्टॉक लेंगे तो 10 के 10 प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, कुछ में आप फंसेंगे भी दोस्तों। तो दोस्तों ये है एचडीएफसी एएमसी का चार्ट। जी हाँ दोस्तों ये है एचडीएफसी एएमसी का चार्ट। देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली करेक्शन में चल रहा है, करेक्शन में चल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर देखें तो एक सपोर्ट लिया हुआ है स्टॉक ने। देखिए दोस्तों इससे पता चलेगा ये जो लेवल्स हैं 2370-73 के, ये एक बाइंग के लेवल थे क्योंकि काफी समय बाद दोस्तों, काफी समय बाद इस कैंडल पर दोस्तों इसने काफी समय बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम बनाया है। मैं इनको सबको हटा के दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये वाली लाइन टूटी, इस कैंडल पर टूट रही है तो ये बहुत समय बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम है। और दूसरा ये छोटा सा दोस्तों एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है। तो आउटकम किसी को नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इन लेवल्स पर इस व्हाइट कैंडल पर मैंने अपने यूट्यूब मेंबर्स को एचडीएफसी एएमसी एज अ दिवाली पिक दिया है, अपने पोर्टल वाले क्लाइंट्स को भी एचडीएफसी एएमसी एज अ दिवाली पिक दिया है। और मुझे लगता है देर सवेर, मतलब कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, या तो इसके नीचे आ जाए तो पैटर्न फेलियर आप एग्जिट कर लें, एल्स देखिए स्टॉक साइडवेज होगा, ऊपर नीचे होगा। मेरी चिंता तभी है जब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, अनटिल एंड अनलेस मैं चिंतित नहीं हूं और मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर के लेवल दिखाएगा। तो दोस्तों ये है एबर्ट इंडिया का चार्ट। देखिए दोस्तों एबर्ट इंडिया का चार्ट है, जब आप थ्री लाइन ब्रेक चार्ट देख रहे हैं तो आपको चार्ट का फ्लो क्लियर दिख रहा है और चार्ट में क्लियर दिख रहा है हायर टॉप हायर बॉटम का रेजिम है। और दोस्तों यहां पर हम डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बीच में जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है वो ले रहे हैं। और एबर्ट में देखें तो यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है, इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है। और यहाँ पे देखें दोस्तों इस कैंडल पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट है। तो बेसिकली हम बड़े पैटर्न्स देख रहे हैं और एबर्ट पर इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पे देखने को मिला। और यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक बड़ी रैली, एक बड़ी नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली एबर्ट इंडिया पर। तो दोस्तों ये है अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट। देखिए अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है। देखिए दोस्तों जब ये वाले लेवल इस कैंडल पर टूटे तो अब ये हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम पर एक ब्रेक लगा, वो क्रैक हुआ, लॉन्ग से निकलने का सिग्नल था, स्टॉक गिरा। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, इसका बड़ा बेनिफिट होता है। अब आप यहां देखें तो यहां पर एक आपको सपोर्ट दिख रहे हैं, यहां देखें तो यहां पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। जब ये यहां गिर के आया तो आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक जो है स्टॉक प्राइस सपोर्ट के पास है, यहां पर देयर इज नो पॉइंट शॉर्टिंग का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें जब ये वाले लेवल्स यहां टूटे तो ये सिग्नल था फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम का। आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मार्केट फुल ऑफ रिग्रेट है। मैं भी इसको यहां आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, बट मेरे को यहां पे समझ में आया था दोस्तों जब ये लेवल टूटे थे, जब ये लेवल टूटे थे तो स्टॉक एफएनओ के बैंड के अंदर भी था, बट एक बड़ा ब्रेकआउट था,
दिस वॉज अ टाइम बिना स्टॉप लॉस की सोचे जब ऐसे बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो बाय करना चाहिए, पर यहां से अगर आप देखें तो एक बड़ी रैली ऑलरेडी अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों ये है अदानी गैस का एक टेक्निकल चार्ट, देखिए अदानी गैस का एक टेक्निकल चार्ट है, फ्लेवर में है, और ये चार्ट सिर्फ मैंने इसलिए खोला है कि चार्ट देख के आपको समझ में आता है कि भैया ट्रेंड क्लियरली ऊपर का है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देखिए जब ये लेवल्स टूटे स्टॉक ऊपर नीचे हुआ, बट टूटने के बाद एक बार भी लोअर टॉप लोअर बॉटम रेजिम या कोई बेरिश पैटर्न नहीं बनाया और स्टॉक ने एक बड़ी रैली दिखाई। दिखाने का मेरा अदानी गैस का चार्ट दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप चार्ट का फ्लो देखें उसको समझें। तो दोस्तों ये अदानी ग्रीन का टेक्निकल चार्ट है और देखिए ये टॉप ऑफ द टाउन है कि ये गिरता ही नहीं है, और इसमें आप चार्ट को देखें तो कंटिन्यूसली इसके हायर टॉप हायर बॉटम के रेजिम है, हायर टॉप हायर बॉटम का रेजिम है। यहाँ पर एक थोड़ी सी करेक्शन आई बट इस करेक्शन में भी कोई सेल सिग्नल नहीं है। अगर इसको आप देखें, अगर आप इसको आप देखें यूं तो ये फ्लैग दिखता है, और अगर यूं देखें इसको तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन दिखता है। यहाँ पे देखें तो अगेन एक फ्लैग दिखता है, डाउनवर्ड फ्लैग दिखता है, इसमें से ब्रेकआउट हो रहा है। तो चार पैटर्न्स देखने हैं। तो दोस्तों ये है अदानी पोर्ट का एक चार्ट, और यहाँ पर अगर हम देखें जब ये लेवल टूटे दोस्तों तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम थी, लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम थी। दिस वॉज अ टाइम टू सेल, दिस वॉज अ स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस चाहिए, गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूटे, देखिए जब ये वाले लेवल्स इस कैंडल पे टूटे तो दिस वॉज अ टाइम टू बाय, बाय करा बिना स्टॉप लॉस के, बाय करा, बाय करते ही करेक्शन आई, बट करेक्शन आई है, कोई बेरिश पैटर्न नहीं बना, ये सपोर्ट नहीं टूटा। अगर ये लेवल्स टूटते तब हम बोलते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम इज इन डेंजर, बट वापस प्राइसेस ने ऊपर रिज्यूम करा, वापस ये लेवल्स टूटे और एक रैली देखने को मिली। तो दोस्तों ये वाला जो ब्रेकआउट मैंने दिखाना है उसको दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि ब्रेकआउट के बाद रैली देखने को मिलेगी, कई बार करेक्शन भी आती है, और हमको करेक्शन से नहीं घबराना है दोस्तों, बिल्कुल भी करेक्शन से नहीं घबराना है। घबराना कब है, जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि तब लॉस बुक करके बाहर निकलना है। करेक्शन तो मार्केट का एक अटूट अंग है, वो आएंगी जाएंगी, कोई भी आदमी उसे बचा हुआ नहीं है, और कोई भी ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा चार्ट नहीं है जो आपको करेक्शन से बचा दे। दोस्तों ये है अदानी ट्रांसमिशन का एक टेक्निकल चार्ट, इसमें कोविड के चलते करेक्शन देखने को मिली, फिर अगेन सेम एक ब्रेकआउट हुआ, हायर टॉप हायर बॉटम का रेजिम, इसके नीचे ट्रेंड रिवर्सल होता है, बट इस ब्रेकआउट के बाद ही इमीडिएटली करेक्शन आई, बट करेक्शन आई दोस्तों, करेक्शन से नहीं बच सकते, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, वापस प्राइसेस ने ऊपर रिज्यूम करा, और जब दोबारा से लेवल छूटे तब एक बड़ी रैली हमने यहां से यहां तक देखने को मिली। तो ये थ्री लाइन ब्रेक चार्ट देखें तो ये चार्ट का फ्लो आपको काफी अच्छा दिखाता है। तो दोस्तों ये है एडीएफ फूड का चार्ट, एडीएफ फूड का एक चार्ट है, और यहां पर कोविड के चलते करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद एक रैली, रैली के बाद एक करेक्शन, और जब करेक्शन के बाद दोबारा ये वाले लेवल्स टूटे तो ये एक सिग्नल था फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम का, और जब दोस्तों ये वाले लेवल्स टूटे तब एक सिग्नल था एक ब्रेकआउट का, और यहां से हमने एक रैली आती हुई देखी, बीच में करेक्शन आई है। देखिए दोस्तों यहां पर बीच में करेक्शन आई है, करेक्शन से नहीं बच सकते, बट करेक्शन में कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, ना कोई बेरिश पैटर्न, ना लोअर टॉप लोअर बॉटम, कुछ भी नहीं हुआ है यहां पर। तो दोस्तों ये है एलेम्बिक लिमिटेड का चार्ट, देखिए दोस्तों ये एलेम्बिक लिमिटेड का चार्ट, कोविड के चलते यहां करेक्शन देखने को मिली, और जब दोस्तों ये वाले लेवल्स टूटे तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूटे तब जो स्टॉक था एक अनचार्टेड टेरिटरी में आया। तो दोस्तों बेसिकली थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पे क्या आपको ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस सब क्लियरली दिख रहा है, देखिए सब क्लियरली दिख रहा है, और ये काफी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी देखिए जैसे थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पे देखें तो ये एक बड़ी करेक्शन दिखती है, बट थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पे देखें तो कुछ ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, एक नॉर्मल करेक्शन है, करेक्शंस आएंगी जाएंगी, करेक्शंस तो मार्केट का एक पार्ट होता है। तो बेसिकली करेक्शन करेक्शन की तरह दिखती है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट की तरह दिखता है, सपोर्ट सपोर्ट की तरह दिखता है। दोस्तों ये है एल्काइल अमीन्स का चार्ट, हाँ दोस्तों ये है एल्काइल अमीन्स का चार्ट, यहाँ पे कोविड के चलते करेक्शन देखने को मिली, करेक्शन खत्म हुई, और दोस्तों जब ये लेवल्स टूटे, जब ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आपको, तो इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने एक इतना बड़ा मूव दिया विद सिर्फ टू ब्लैक कैंडल्स इन बिटवीन, काफी बड़ा मूव दिया, तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट की विजिबिलिटी एकदम क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये है अंबर एंटरप्राइजेस का स्टॉक चार्ट, कोविड के चलते यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली, करेक्शन के बाद एक रैली आई, और रैली के बाद जब दोस्तों जब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, जब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, तो ये ब्रेकआउट आपको क्लियरली विजिबल है। और दोस्तों होता क्या है, जब आप कैंडल चार्ट देखते हैं तब क्या होता है, आप बड़ी जल्दी कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि ब्रेकआउट के बाद आप फंस गए हैं, प्राइस साइडवेज होता है, तो आपको लगता है लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर ब्रेकआउट्स आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर लें तो ये एक बार भी इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है, और ब्रेकआउट के बाद अंबर एंटरप्राइजेस पर एक बड़ी रैली देखने को मिली है दोस्तों। दोस्तों ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट, जो इसमें काफी फैंसी है, काफी लोगों को पैसे बना के दिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़ा बड़ा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन विजिबल है, एक रैली बनी है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर ये करेक्शन आई कोविड के चलते, और जब ये कोविड वाले कोविड के करेक्शन से पहले के हाई टूटे इस कैंडल पर, तो उसके बाद एक बड़ा अपमूव देखने को मिला है दोस्तों। देखिए इन बिटवीन यहाँ पर ब्लैक कैंडल बनी, यहाँ पर दो तीन ब्लैक कैंडल बनी, बट ब्लैक कैंडल्स में कभी भी यहाँ पर क्या हुआ कि हायर टॉप हायर बॉटम का रिजीम खराब नहीं हुआ, हायर टॉप हायर बॉटम का रिजीम क्रैक नहीं हुआ, और क्या है कि कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं बना। तो बेसिकली थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर आपको ब्रेकआउट्स क्लियरली दिख रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका चार्ट पॉजिटिव है, और इसका चार्ट मैंने देखिए इसलिए लिया है, एपीएल अपोलो में देखें तो कोविड के चलते एक वर्टिकल डिक्लाइन देखने को मिला, और उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली। तो दोस्तों ये चार्ट देखिए, मैं एक मिनट का पॉज लूंगा, आप सोचिए कि चार्ट मैंने क्यों दिखाया है। देखिए मेरा सिर्फ चार्ट दिखाने का मकसद सिर्फ ब्रेकआउट्स नहीं है, देखिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखाता है, और यहां पे देखें ये पुराना इसका एक सपोर्ट था, इन्हीं लेवल से दोस्तों इन्हीं लेवल से स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिला। तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इसकी भी एक क्लियर पिक्चर दिखाता है दोस्तों, क्लियर पिक्चर दिखाता है ये थ्री लाइन ब्रेक चार्ट। दोस्तों ये है अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, जी हाँ ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, कोविड के चलते करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद एक रैली आई। अब दोस्तों होता क्या है, जब ये लेवल टूटे तो ये आपको दिखा रहा है कि भैया ये ब्रेकआउट हो गया है एक नई टेरिटरी में, बड़ा क्लियरली विजिबल है,
और ब्रेकआउट के बाद एक बार भी जो है कोई कैंडल इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई और इसने एक अच्छा अप मूव दिखाया। तो दोस्तों मेरा मकसद देखिए है दिखाने का कि बिना स्टॉप लॉस के भी बाइंग होती है, ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल होते हैं थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर। और यहां पर देखें तो अपोलो हॉस्पिटल ने एकदम एकदम अगर आप देखें तो क्लियर ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो दोस्तों ये है इंडियन होटल का देखिए टेक्निकल चार्ट। देखिए दोस्तों ये है इंडियन होटल का एक टेक्निकल चार्ट, कोविड के चलते लॉकडाउन के चलते क्रैक दिखने को मिला। और यहां पर अगर आप देखें जब ये लेवल्स यहाँ टूट रहे हैं तो ये हायर टॉप हायर बॉटम रेजिम है। और दूसरा दोस्तों ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है, हायर टॉप हायर बॉटम रिजिम का भी ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद रैली, रैली के बाद करेक्शन, बट कोई पैटर्न का डिस्टॉर्शन नहीं है, पैटर्न का डिस्टॉर्शन नहीं है। और इस स्टॉक को जिसने लिया उसको तो एटलीस्ट एक डिसेंट मुनाफा देखने को मिला। तो दोस्तों ये है ईस्ट इंडिया होटल का एक टेक्निकल चार्ट। देखिए इसकी भी बड़ी फैंसी थी, स्टॉक में क्रैक देखने को मिला। अब क्रैक में क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर एक करेक्शन है, बट जब दोस्तों ये वाले लेवल्स टूट रहे हैं यहाँ पर तो एक आप देखेंगे यहाँ पर ये हायर टॉप हायर बॉटम रिजिम है। और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूट रहे हैं यहाँ पर तो भी एक ब्रेकआउट है। और दोस्तों ये ब्रेकआउट है राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो दोस्तों ब्रेकआउट्स आपको बड़ा क्लियरली दिखते हैं, चीख चीख के खुद बोलते हैं कि मैं ब्रेकआउट ले रहा हूं। और यहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला ईस्ट इंडिया होटल के अंदर, और जिसको थ्री लाइन ब्रेक चार्ट ने इजीली आइडेंटिफाई करने में मदद करी। तो दोस्तों ये है इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट, और यहां पर अगर आप देखें तो कोविड के चलते करेक्शन, एक रैली, और दोस्तों जब करेक्शन के अंदर ये वाले लेवल्स टूटे तो ये एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिग्नल था, और यहां पर एक डिक्लाइन देखने को मिला। और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स यहां टूटे तो वो एक सिग्नल था कि लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम खतरे में है। और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स यहां टूटे ऑन दिस कैंडल तो ये एक सिग्नल था हायर टॉप हायर बॉटम रिजिम का। और यहां पर देखिए फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम रिजिम पे किसी ने अगर बाय करा तो इंटरग्लोब एविएशन ने उस बाय को रिवॉर्ड करा। तो ये आपको हायर टॉप हायर बॉटम रिजिम भी अच्छे से समझाता है। दोस्तों ये भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए। भारतीय एयरटेल में क्या हुआ, जब ये वाली कैंडल थी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला तो हर आदमी ने भारतीय पे खरीदारी की राय दी। देखिए हर आदमी ने खरीदारी की राय दी, इसके नतीजे भी अच्छे आए थे, उन्होंने शायद फंड रेजिंग भी करी थी। और यहां पर अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है यहां पर। अब हुआ क्या कि ब्रेकआउट के बाद एक करेक्शन आ गई यहां पर एक करेक्शन आ गई। और करेक्शन में दोस्तों देखें अगर हम जब ये वाले लेवल्स यहां टूट रहे हैं तो ये एक सिग्नल भी है आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजिम का। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर इसने आपको एग्जिट कराया, जैसे पीछे मैंने दिखाया था ग्रैनुल्स में एग्जिट नहीं कराया, तो यहाँ पे एग्जिट कराया दोस्तों। और दूसरा दोस्तों क्या है, आगे चल के सपोर्ट टूटे फिर वापस ऊपर रिज्यूम हो गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको सपोर्ट की रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन में बताया। तो यहाँ पर इस कैंडल पर दोस्तों ऐसी बड़ी क्लियर हो रही है कि भारतीय एयरटेल जो है सपोर्ट ले रहा है इन लेवल्स पर। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, जैसे मैं फेवर में रहता हूँ ट्रेड करने के, तो इसने आपको यहाँ पर एग्जिट कराया और यहाँ पर एक एंट्री का सिग्नल भी करा रहा है दोस्तों इस कैंडल पर आपको एंट्री भी करा रहा है कि स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। तो देखिए थ्री लाइन ब्रेक चार्ट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये है आइडिया का टेक्निकल चार्ट। थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पे देखेंगे तो दुनिया जहां की बातें हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखिए मैंने ये स्टॉक नीचे में ले रखा है, और आप अगर चार्ट देखें दोस्तों इसके, यहाँ चार्ट देखें, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखें इन लेवल्स पर, ये ₹7.80 85 पैसा के रेट्स हैं। एंड फ्रेंड्स ऑन दिस कैंडल देखिए दोस्तों एक चीज क्लियर हो रही है कि शायद स्टॉक प्राइस यहाँ पे शायद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो दोस्तों राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन जैसा मैंने बताया चार्ट पैटर्न पे काफी बुलिश होता है, और बार बार मैं बोलता हूँ इस राउंडिंग बॉटम से है मेरिट। तो दोस्तों अगर ये पैटर्न पे ये ठीक निकल गया स्टॉक के लिए तो स्काई इज द लिमिट। ये स्टॉक मुझे लगता है जिस तरीके से बीटन डाउन है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये कुछ कमाल करके दिखा सकता है दोस्तों। दोस्तों ये है ब्लू डार्ट का एक चार्ट। देखिए ब्लू डार्ट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड के अंदर था। और दोस्तों हुआ क्या, जब ये वाले लेवल्स टूटे दोस्तों, ये वाले लेवल्स टूटे, तब ब्लू डार्ट जो है काफी समय बाद, काफी सालों बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम की जो रिजीम चली आ रही थी वो टूटी यहां पर। और दोस्तों यहां पर ब्लू डार्ट पर मैंने टीवी पर इसी ब्रेकआउट पर एक खरीदारी की राय दी थी। अब दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, करेक्शन आई, ब्रेकआउट टेबल के थोड़ा नीचे आया, बट कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, और वापस अप ट्रेंड को रिज्यूम करा और प्राइसेस ने एक रैली दिखाई। तो दोस्तों ये यहां पर जो मैंने ब्लू डॉट आइडेंटिफाई करा था वो बेसिकली थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर आइडेंटिफाई करा था। तो दोस्तों ये है टाटा स्टील का टेक्निकल चार्ट, और यहां देखें कोविड के चलते करेक्शन आई, उसके बाद एक रैली आई, रैली के बाद एक करेक्शन आई। और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूटे यहां पर, जब ये वाले लेवल्स यहां टूटे तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ये एक फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम रिजिम था, ये एक फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम रिजिम था जो कि आप थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर इजिली खुली आंख से देख पा रहे हैं, इजिली देख पा रहे हैं। और ब्रेकआउट के बाद यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो एक रैली, डिसेंट रैली ऊपर की तरफ देखने को मिली दोस्तों। तो दोस्तों ये है अरविंदो फार्मा का एक टेक्निकल चार्ट। जी हाँ दोस्तों ये है अरविंदो फार्मा का एक टेक्निकल चार्ट। यहां पर दोस्तों क्या हुआ, जब ये वाले लेवल्स टूटे तो ओरो फार्मा में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम जो है वो खत्म हुई, और यहां से ओरो फार्मा ने काफी बड़ी रैली दिखाई। और यहां पर अगर दोस्तों देखें हम इस कैंडल पर दोस्तों, ये अनचार्टेड टेरिटरी में भी गया, उसके बाद करेक्शन आई। अब दोस्तों देखिए यहां पर तो एक एंट्री बनी बनी, हो सकता है आपने यहां भी लिया हो, यहां भी लिया हो। देखिए लेने की कोई सीमा नहीं है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोई सीमा नहीं है, बट पैटर्न्स देखने चाहिए दोस्तों, पैटर्न्स देखने चाहिए। अब देखिए आप थोड़ा सा समय लगाएं और सोचें कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है अभी इस चार्ट पर। देखिए ओरो फार्मा में अगर आप देखें अभी दोस्तों, ओरो फार्मा में देखें तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, और चार्ट से संकेत दे रहे हैं दोस्तों कि शायद ये एक बेस है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है। और अगर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ दोस्तों और ये ठीक निकलता है, नीचे के लेवल्स मैच नहीं होते हैं, तो यहां पर एक काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको पास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं, और प्रेजेंट के एग्जांपल में अभी देखिए ओरो फार्मा का चार्ट है। और दोस्तों आगे भी चल के आपको रेगुलर अपडेट्स मेरे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये है लक्स इंडस्ट्रीज का एक टेक्निकल चार्ट। दोस्तों लक्स इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट, एक करेक्शन देखने को मिली,
उसके बाद एक रैली। अब दोस्तों देखिए ये लेवल्स यहाँ टूटे हैं दोस्तों, ये लेवल्स इस कैंडल पे टूटे हैं, ये एक फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन भी है। तो ये वाला जो ब्रेकआउट है दोस्तों, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है। तो दोस्तों मुझे तो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा एक्सपीरियंस से कहता है कि गोइंग अहेड ये स्टॉक जो है इन्हीं इसी अपट्रेंड में इन लेवल्स को भी तोड़ देगा, और कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक की रैली देखने को मिले इसके अंदर। और दोस्तों लक्स इंडस्ट्रीज पर मैं बताऊं आपको, जो आपको बोल रहा हूं वो सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, ये स्टॉक हमने अपनी एडवाइजरी में रिकमेंड भी करा हुआ है सिमिलर पैटर्न पर। अब दोस्तों ये देखिए कोचीन शिपयार्ड का चार्ट है, लिस्टिंग से जो है स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है दोस्तों, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पर दोस्तों जो मुझे लग रहा है दोस्तों, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मुझे दिख रहा है, मुझे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन दिखता है दोस्तों। एक बार इसके ऊपर निकलेगा तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन का कंफर्मेशन हो जाएगा दोस्तों, और तब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो मेरी निगाहें जो है वो कोचीन शिपयार्ड पे लगी हुई दोस्तों। ये है स्टेट बैंक का एक टेक्निकल चार्ट, यहाँ पर कोविड के चलते क्रैक देखने को मिला, और दोस्तों जब ये वाले लेवल्स टूटे तो ये एक फर्स्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम था, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए। और यहाँ पर भी एक नेकलाइन टूट रही है, यहाँ पर पहली बार सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पर दूसरी बार बेचने का सिग्नल दिया, अब ये इस कैंडल पे इसने स्टेट बैंक पे बाइंग का सिग्नल दिया है और ये बाय है। अभी तक एक छोटी रैली देखने को मिल चुकी है, और दोस्तों जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक सिर्फ इतना इतिहास इतनी हिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। मेरा काम ये नहीं है आपको दिखाऊं कि ये ब्रेकआउट के बाद भाग गया, मेरा काम है आपको रियल टाइम ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ, अगर कोई दिख रहा है तो वो शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये है एलएनटी का एक टेक्निकल चार्ट, देखिए एलएनटी का एक टेक्निकल चार्ट है, कोविड के चलते क्रैक देखने को मिला, और क्रैक में देखें तो दोस्तों एक सपोर्ट एक मल्टीपल सपोर्ट टूटे, और ये लेवल जो थे वो शॉर्टिंग के लेवल थे, ये लेवल शॉर्टिंग के लेवल थे। और दोस्तों यहाँ पे देखें तो एलएनटी जो है वो एक बॉटमिंग का सिग्नल दे रहा है, और ये फर्स्ट एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है पोस्ट कोविड, उसके बाद एलएनटी एक बार फैंसी में आ चुका है दोस्तों। देखिए अभी तक यहां से लेकर यहां तक की रैली देखने को मिल चुकी है, उसके बाद की हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लास्ट अवेलेबल प्राइस है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट टूटता है वो दिखता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनता है वो भी बहुत क्लियरली दिखता है थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर। तो दोस्तों ये है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का चार्ट, और यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज द मोर ऑफ अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन। दोस्तों ये वाले लेवल टूट रहे हैं तो ये एक संकेत है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम रेजिम का रुझान आ रहा है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में। और ये देखिए लेवल टूटे, उसके बाद एक वर्टिकल डिक्लाइन देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पे काफी लोगों को पैनिक हुआ क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हो गया था, कोविड के चलते ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला, चार्ट पे बेचने के सिग्नल आए। पर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, साथ में एक छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है, छोटा है कई बार बड़ा भी होता है, बड़े का मतलब ये नहीं कि सक्सेस मिलेगी, बट ये छोटे के अंदर भी दोस्तों एक बड़ा आप मूव टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ने दिखाया। तो दोस्तों ये है लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ थ्री लाइन ब्रेक चार्ट का, और ये है दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों ये कोविड से पहले अपने 52 वीक हाई पे खड़ा था, और कोविड के चलते वर्टिकल डिक्लाइन देखने को मिला, उसके बाद रैली आई। और दोस्तों यहाँ पर देखें जब ये लेवल्स टूट रहे हैं, ये लेवल्स इस कैंडल पे टूटे हैं, टूटने के बाद करेक्शन भी आई, यहाँ पर आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है, और छोटा नहीं है बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है। अभी टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में तो हमने एक छोटा राउंडिंग देखा था, और यहाँ पर एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट है। और दोस्तों इस स्टॉक को मैंने ब्रेकआउट के बाद सोशल मीडिया पर रिकमेंड भी करा हुआ है खरीदने के लिए, बट आप देखें ये क्लियर ब्रेकआउट है, यहाँ पर एक एंट्री आई है। अब देखते हैं आगे चल के कि रैली ये कहां तक जाती है, जिस तरीके का पैटर्न है इसमें कम से कम इतनी रैली तो बननी चाहिए दोस्तों, और ये मेरा लास्ट एग्जांपल है। अब दोस्तों देखें मैंने आपको काफी एग्जांपल्स दिए थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर, और देखिए एक ही मकसद है, एक चीज को समझे, थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर नंबर ऑफ बार्स कम होती है, चार्ट में मोर क्लियरिटी होती है, सपोर्ट क्लियरली दिखता है, रेजिस्टेंस क्लियरली दिखता है, ब्रेकआउट क्लियरली दिखते हैं, ट्रेंड रिवर्सल क्लियरली दिखता है, और जब चीजें क्लियर हो तो सिर्फ एक ही काम करना है आपको, आपको हिम्मत लानी है, और जिस दिन हिम्मत होगी तो थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर निवेश और ट्रेडिंग दोनों से पैसा बनेगा। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा सार थ्री लाइन ब्रेक चार्ट पर, थैंक यू।